गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी ऐसा लग रहा है कि मुंबई के धारवी कॉलोनी के तौर पर बन चुकी है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण अपने चपेट में लोगों को ले रहा है, 16 मरीज अब तक इस इलाके से सामने आए, और यही वजह है कि वहां पर शासन प्रशासन सख्ती बरत रहा, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सेक्टर स्कीम वहां पर लागू की गई है, 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 जोनल मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तादाद में इजाफा हुआ है, मरीजों की संख्या जिस तरीके से तेजी से बढ़ती हुई दिखी है, इसलिए अब ये सारे के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। गाजियाबाद की ये कॉलोनी है जहां पर अब आवाजाही पूरे तरीके से रोक दी गई है। जनपद गाजियाबाद का खोड़ा क्षेत्र नोएडा की सीमा से लगता है, इसकी सीमाएं दिल्ली के जिले से भी लगती हैं, और दिल्ली के ये जिले और नोएडा दोनों ही रेड जोन में हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे खोड़ा पर सेक्टर स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये सेक्टर स्कीम अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। इसको 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है, 2 जोन में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक मेडिकल विभाग की टीम, एक पुलिस की टीम, एक मजिस्ट्रेट की टीम और एक आपूर्ति विभाग की टीम रहेगी। खोड़ा कॉलोनी पर पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता रखी जा रही है। यहाँ का घर जो है वो काफ़ी पास पास हैं और संकरी गलियाँ यहाँ पर हैं, और पूर्व से ही सतर्कता बरतते हुए अभी इसको और बेहतर यहाँ की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने पुलिस के इसमें 2 जोन बनाए हैं और वहीं 5 सेक्टर इसमें बनाए गए हैं, और सभी जोन के जो है प्रभारी दिन और रात्रि के शिफ्ट के अलग अलग 2 इंस्पेक्टर रहेंगे। दोनों जोन में इस तरह से कुल मिलाकर के 4 इंस्पेक्टर रहेंगे, और वहीं 5 सेक्टर में 2 शिफ्ट मिलाकर के लगभग 10 सब इंस्पेक्टर जो हैं वो सेक्टर के प्रभारी रहेंगे। वहीं थाने की जो चौकी और थाने का फोर्स है वो भी इसमें निरंतर निगरानी कर रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अव्यवस्थित कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त उसी के सामने खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं खोड़ा का बोर्ड लगा हुआ है और पुलिस बैरिकेटिंग कर यहाँ एक एक कर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि एसेंशियल सर्विस को ही यहाँ पर परमिशन दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और तमाम जो है अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूँ, जिलाधिकारी ने सेक्टर स्कीम भी लागू की है, जिसमें कि 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 2 जोनल मजिस्ट्रेट इसमें तैनात किए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, खोड़ा में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही, संबंधित सेवाओं को ही छोड़कर क्षेत्र में परमिशन दी गई है। साथ ही आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है और लगातार जो है कोरोना का संक्रमण यहाँ बढ़ता जा रहा था। अब तक 15 से ज़्यादा केस यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि खोड़ा को सील कर दिया जाए। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9 उत्तर प्रदेश।